बसमिल डर स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद इसाक साकी है एंड आई एम वर्किंग एज अड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल 343 फोटी थ्री डब्ल्यू बी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में और आज मैं ई लर्न लोधरा के प्लेटफॉर्म से आ, आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस के तलबा और तालबात से तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सारे लोग पहले से जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का और ग्रामर का एक बहुत अहम टॉपिक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद जो अल्फाज होते हैं जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज के करोड़ों अल्फाज मौजूद हैं और वो जितने भी अल्फाज हैं दुनिया की हर किताब में मौजूद हैं जितने भी अगर हम उनको कैटागराइज करें उनके फंक्शन के हवाले से कि हर लफ्ज कौन सा फ़ंक्शन अदा करता है देखें कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो चीज़ों के नाम बताते हैं कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें फंक्शन बताते हैं कौन सी चीज़ क्या काम करती है बहुत से अल्फाज होते हैं वो हमें बताते हैं कि चीज़ों की किस्में कौन कौन सी हैं और बहुत से अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो हमें फीलिंग्स और इमोशंस और हमारे जज्बात के बारे में हमें बता रहे होते हैं तो आज हम इसी हवाले से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएँगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि मैंने आपको बताया ये जितने भी उस इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम कैटागराइज करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और टाइप्स ऑफ वर्ड्स वो होती हैं सारी और वो किस हवाले से हम उनकी टाइप्स बनाते हैं उनकी किस्में बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं ठीक है और जस्ट लाइक like जैसे मैंने यहां नीचे एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है कि टाइप्स ऑफ रूम्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अब देखिए रूम्स बहुत से होते हैं अब क्लास रूम होता है डाइनिंग रूम होता है बेडरूम होता है ठीक है और इसी तरह आपका मतलब मुख्तलिफ जैसे वाश हो गए तो ये अब रूम्स की किस्में हैं तो सारे हैं रूम्स इसी तरह जो वर्ड्स की टाइप्स होती हैं वो भी अकॉर्डिंगली जो मुख्तलिफ मुख्तलिफाज होते हैं उनकी टाइप्स होती हैं और आप याद रखें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड हासिल हो आप इस लैंग्वेज में एक्सीलेंस चाहते हैं तो आपके अंदर यह एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक एक लफ्ज को अकेले एक एक लफ्ज को अकेले आप डिस्क्राइब कर सकें कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ये जो वर्ड हैं, ये कौन से हैं वेदर ये मैंने आगे, आगे आपका लिखा हुआ है जो टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मुख्तलिफ जो वर्ड्स की टाइप्स हैं उनको मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है तो जब आप कोई एक सेंटेंस आपके सामने आए और आप उसको एक्सप्लेन कर पाएं अच्छे तरीके से तो उस वर्ड को अकॉर्डिंग टू देर फंक्शन तब हम कह सकते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक पे पूरी कमांड हासिल है और अब आप मज़ीद उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं तो आए अब हम आ, कोशिश करते हैं आपको जो उसकी टाइप्स हैं वर्ड्स की आठ मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उनके बारे में आपको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं ये देखें आठ टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं Uh, सबसे पहली टाइप जो है वो नाउन है फिर प्रोनाउन है वर्ब है एड वर्ब प्रपोजिशन अजेक्टिवजंक्शन और इंटरजेक्शंस ये आठ मुख्तलिफ किस्में हैं वर्ड्स uh, की और अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कुछ चीजें बेसिक उनको पता चल जाए देखिये नाउन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी चीज का नाम होते हैं जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है याद रखें एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो सबसे पहले दुनिया में आके कोई नाउन नहीं बोलता है ये पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो इंसान दुनिया में आके बोलता है वो नाउन होता है और ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है जैसे जगह का नाम हो सकता है और इसी तरह चीज का नाम इंसान का नाम और किसी ख्याल का नाम भी हो सकता है और प्रोनाउंस होते हैं प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं जैसे ही शी इट आई वुई दे माई सेल्फ योर सेल्फ अब ये सारे अल्फाज होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं और याद रखें इनको हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि हमें बार बार नाउन इस्तेमाल न ना करना पड़े मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है अली मैं अब अली के बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो मैं हर जुमले में ये कहूँ कि अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अली प्लेज विद मी अली गोज टू स्कूल विद मी अली इंजॉयज मी तो हर जुमले में अली कहना हर जुमले में उसका नाम लेना यह इंतहा गैर ज़रूरी और गैर मुनासिब सा लग रहा है तो इसी लिए उस रेपिटेशन से बचने के लिए वर्ड्स की हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं उसकी जगह पे अब आ जाते हैं वर्ब ये ऐसे अल्फाज होते हैं याद रखें कि जो एक्शन को और किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी एक्टिविटी को किसी काम को शो कर रहे होते हैं याद रखें इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक भी जुमला कोई एक भी सेंटेंस वर्ब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता अकेला वर्ब भी एक मुकम्मल जुमला हो सकता है सिर्फ अकेला वर्ब जैसे हम किसी को कह देते हैं कि सिट तो जस्ट एक वर्ब है लेकिन वो पूरा मीनिंग उसमें अपना रखता है हम किसी को कह देते हैं कि कम गो ये पूरे सेंटेंसेस भी हैं और पूरा एक वर्ब कंप्लीट मीनिंग के साथ भी है सो वर्ब इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जुमला इसके बगैर नहीं बनता और ये तमाम जो दुनिया में एक्टिविटी जो हो रही है जो एक्शन हो रहा है जो काम हो रहे हैं उनको शो करने के लिए जो वर्ड्स की किस्म इस्तेमाल होती है उसका नाम है वर्ब और फिर आगे एड वर्ब आप एड को आप सिंपली मैं आपको इसका साधा अंदाज में बताऊंगा कि वर्ब से एड आप यूं समझ लें कि एड वर्ब वैसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड करते हैं तो एडवर्ब वर्ब तो बेसिकली एड वो अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब को एड वर्ब को या एडजेक्टिव को मजीद वाजे कर दें मिसाल के तौर पर मैं किसी को आ, कहता हूं कि जी कम तो अब उसे नहीं पता कि काम से क्या मुराद है भाई आए कहां आऊं मैं तो मैं उसे कहूंगा काम इन अंदर आए काम आउट बाहर आए तो इन और आउट के जो वर्ड्स हैं बेसिकली ये एडवर्ब हैं ये मजीद वाजे कर रहे हैं उसको अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ किसी को गुड uh, तो अब गुड तो ऑब्जेक्टिव है ठीक है ही इज अ गुड पर्सन अब मैं उसे मजीद वाजे करना चाहूंगा कि गुड वो कितना मतलब कितना गुड है तो उसके लिए होगा कितना अच्छा है वेरी गुड ही इज सो गुड अब वेरी और सो so का जो वर्ड है वो बेसिकली एडवर्ब्स हैं ठीक है ही इज रनिंग वो भाग रहा है भाई कैसे भाग रहा है ही इज रनिंग फास्ट या ही इज रनिंग स्लो अब फास्ट और स्लो के वर्ड्स जो हैं बेसिकली एडवर्ब को शो कर रहे हैं तो ऐसे अल्फाज बेसिकली एडवर्ब कहलाते हैं जो किसी वर्ब को एडवर्ब को या एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और ये देखें अगला जो नेक्स्ट टाइप है वर्ड्स की वो है प्रेपोजिशन याद रखिएगा ये इसको अगर आप थोड़ा सा अलहदा करके पढ़ लें तो ये प्रीपोजिशन अब इसको अगर मैं इस मीनिंग में ऐसे अल्फाज होते हैं ये जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्री का मतलब होता है पहले नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन से जो पहले आते हैं ठीक है और ये अल्फाज जोड़े होते हैं नाउन को वर्ब के साथ बेसिकली और, और भी कनेक्शन देते हैं और याद रखें दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं सबसे ज़्यादा जो प्रपोजिशंस होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पाई जाती हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूज एरिया भी ये प्रेपोजिशन हैं तो ये प्रेपोजिशन मिसाल के तौर पर इन आउट और फार फ्राम टू ये सारे प्रेपोजिशन होती हैं ऐसे अल्फाज जिन्हें उर्दू में हरूफ जार भी कहते हैं लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने एक मिसाल पहले दी थी कम इन कम आउट अब वहां भी एन इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो जो एन है वो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, कम इन अंदर आ जाए लेकिन यहां अगर हर जगह एन जो है वो प्रेपोजिशन नहीं होता यहां एडवर्ब है लेकिन यहां जो हम मिसालें देंगे मिसाल के तौर पर वी आर सीटिंग इन द रूम अब यहां जो एन है ये प्रेपोजिशन है क्योंकि एन के बाद नाउन आ गया है इन द रूम रूम नाउन है ठीक है तो बेसिकली प्रेपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन को उनके साथ जोड़ते हैं वर्व के साथ और बेसिकली इनके बाद नाउन या प्रोनाउन भी जरूर आता है और याद रखें जिसमें वर्व के बाद नाम प्रेपोजिशन आ जाए जिस सेंटेंस में उसका पैसावाइज भी नहीं बन सकता ये भी एक इजाफी इंफॉर्मेशन थी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ और नेक्स्ट uh, हमारे पास जो टाइप ऑफ द वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव अब मोस्टली ये गलती की जाती है हमारे यहाँ इसे एडजेक्टिव पढ़ा जाता है ये डी साइलेंट हेयर है है यहाँ साकिन है तो इसे आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे याद रखें एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी नाउन uh, जो होता है उसकी uh, खसूसियत को बयान करते हैं उसकी किस्म को बयान करते हैं ठीक है uh, उसके टाइप को बयान करते हैं मिसाल के तौर पर मैं यहां आपको जैसे मिसाल के मैंने आपको दी कि ही इज अ गुड बॉय तो गुड यहाँ क्या है एडजेक्टिव है ठीक है सो so, यार से यह कह रहा आई एम वेटिंग फॉर अप ट्रेन मैं अप ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं तो अब अप जो है वहां क्या है बेसिकली यहां वो एडजेक्टिव है क्योंकि ट्रेन की किस्म है ना एक डाउन ट्रेन होती, होती है एक अप ट्रेन होती है ही इज कमिंग अप अब यहां ये आप जो है वो एडजेक्टिव नहीं है वो एडवर्ब है वर्ड वो ही है तो मेरा ये कहने का मतलब है एक ही वर्ड मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है कभी वो एडवर्ब बन जाएगा कभी प्रेपोजिशन कभी एडजेक्टिव तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस वो अपनी शेप्स चेंज करते रहते हैं बस आपका काम ये है कि आप पहचान जाएं उसके फंक्शन के हवाले से कि उस सेंटेंस में वो कौन सा फंक्शन अदा कर रहा है अगर वो किसी चीज की खसूसियत कैटेगरी उसकी क्लास और टाइप बयान कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा जैसे मैंने आपको यहां मिसाल दिया एम वेटिंग फॉर अप ट्रेन यानी किस किस्म की ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं तो आप ट्रेन जो पिंडी की तरफ जा रही है उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं तो देट्स ये एडजेक्टिव की मिसाल और कंजंक्शन आपने देखें जंक्शन का लाभ सुना होगा अगर आपने कभी रेलवे का सफर किया है तो तो जंक्शन ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जिस पर मुख्तलिफ जगहों से आके ट्रेनें आपस में मिलती हैं बड़ा स्टेशन होता है तो कंजंक्शन बेसिकलीफाज की वो किस्म होती है उन्हीं से मिली है जो मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं जो दो क्लास को दो सेंटेंस को बाफ़ा और दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं मिसाल के तौर पर एक वर्ड है कि अली एंड अहमद आर गोइंग टू लाहौर अब अली एंड अहमद अली और अहमद दोनों वर्ड्स को जोड़ा एंड ने एंड क्या हो गया यहां कंजंक्शन हो गया या मैं यूं भी कह सकता हूं कि जैसे अली इज नॉट कमिंग टू स्कूल बी कॉज ही इज एल तो बी कॉज यहां क्या है ही इज एल को और अली इज नॉट कमिंग टू स्कूल इन दोनों को उसने जोड़ा है तो वो बी कॉज वहां कंजंक्शन है ठीक है ही इज नॉट ओनली अ गुड पर्सन बट आल्सो अ गुड टीचर अब बट आल्सो उसने जोड़ा या गुड टीचर को और इससे पहले वाले सेंटेंस को तो वो क्या हो गया कंजंक्शन जो लास्ट में हमारे पास इंटरजेक्शन uh, की कैटेगरी है वर्ड्स की याद रखें ये बड़ी दिलचस्प कैटेगरी है और इसको पहचानना बहुत आसान होता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर कर लें देखें लिखी हुई लैंग्वेज में और बोलते हुए बात करते हुए डायलॉग करते हुए कभी भी कोई इमोशनल फीलिंग आ जाए आपके वर्ड्स में कोई ऐसी फीलिंग आ जाए बोलते हुए जिसमें जज्बात हों खुशी के हैरानगी के बाज़ फ़ा गम के जज्बात तारी हो जाते हैं गुस्से के जज्बात तारी हो जाते हैं तो जो भी इमोशंस और जज्बात को वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं ठीक है मिसाल के तौर पर उसमें वो कहा जाता है कि वुड दैट आह वुड दैट आई यू आर अ टीचर मेरा एक दोस्त कभी कह रहा था वो पुलिस में था वो कह रहा था काश मैं टीचर होता मैं बनना चाह रहा था तो मैं अब वहां पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया हूं तो अब ये आह निकली है उसकी काश फीलिंग्स आ गई हैं उसके अंदर सो ये जो है आ उसके निकली आलास का वर्ड आया ये क्या है इंटरक्शन इस तरह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे अब वाओ का जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है इंटरजेक्शन है ठीक है अब इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं ये याद रखें ये फीलिंग्स को शो कर रहे हैं तो ओवरऑल आप याद रखें हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो तो जी आपको टेंसेज आने चाहिए आपको वाइस यानी कि वाइज एक्टर वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए लेकिन मेरा मानना ये है अगर आप चाहते हैं कि आप इस लैंग्वेज को आ, सही तरह से समझें तो सबसे पहला काम ये करें कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें और आखिर में मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूँगा और उस पर फिर आपको एक एक वर्ड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा तो उस सेंटेंस के मुताबिक जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको हमने अप्लाई कैसे करना है इस पूरे फंक्शन में जानना कैसे कि कौन सा वर्ड Uh, क्या है कैटेगरी के, के हवाले से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन